और हम लोग बहुत छोटे बजट पे थोड़ा 300 पे कर दीजिए ना, हमारा ऐसे बजट ट्रिप है बहुत ज्यादा, तो 300 देखिए लगा दें। ₹150 35,000 गाइज, आज की वीडियो में ना कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। आई रियली लव उदयपुर। मैं यहाँ पे पिछली दो बार आ चुकी हूँ ऑलरेडी। द फर्स्ट टाइम आई केम हियर आई वाज 19 इयर्स ओल्ड इन फैक्ट। सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस फॉर यू फ्रॉम दिस प्लेस, बट बिकॉज उदयपुर इज अ डेस्टिनेशन विच इज फिट फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रैवलर्स, सो इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट बजट एक्सपीरियंस, जिस दिन मैं सिर्फ ऑटोज में ट्रैवल करूंगी, बजटेड प्लेस में रहूंगी, एंड आई विल शो यू द एक्सपीरियंस ऑफ उदयपुर फ्रॉम अ बजट ट्रैवलर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वन पार्ट ऑफ द वीडियो इज गोइंग टू बी एक्सट्रीम लग्जरी। द प्लेस दैट आई एम स्टेइंग एट इज कॉल्ड होटल आशिया हवेली, एंड आई बुक्ड इट फॉर अ टोटल ऑफ 3500 फॉर टू नाइट्स। इनफैक्ट इसको ढूंढने में मैंने बहुत एफर्ट लगाया, लाइक लिटरली टू डेज आई वाज सिटिंग ऑन बुकिंग्स। फाइनली जाके एक अच्छी प्रॉपर्टी मिली, एंड किस्मत की बात देखो, यहाँ पे जिस दिन मैं पहुँची, जैसी पहुँची, द रूम दैट आई हैड बुक्ड गॉट अपग्रेडेड टू दिस रियली नाइस रूम दैट इज इन माई बैकग्राउंड, एंड दैट वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ लक। एंड जहाँ तक बजट की बात आती है ना, लेट मी टेल यू माई बिगेस्ट बजट हैक फॉर गेटिंग ट्रिप रेडी और फेस्टिवल रेडी। एंड यू नो जनरली फॉर फेसिंग द कैमरा एंड फॉर गोइंग प्लेसेज, यू फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर रेडी, राइट? एंड अर्बन कंपनीज एट होम सलॉन सर्विसेज आर अवेलेबल एट अनबिलीवेबल प्राइसेज। आई गॉट माई थ्रेडिंग एंड फेशियल डन राइट बिफोर कमिंग हियर, एंड इट वॉज जस्ट अमेजिंग। सिंस आई डिड नॉट हैव टाइम टू विजिट अ सैलॉन, अर्बन कंपनीज सलॉन एट होम सर्विसेज ऑफर अ ग्रेट कन्वीनियंस एट माई डोर स्टेप। एंड टॉकिंग अबाउट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, द पर्सन who came to my doorstep for the service was wearing gloves, a face shield and a mask at all times. She also cleaned up the station very very thoroughly after the work was done, as if the service never happened, and I just had to sit back, relax and really really just enjoy the service. Now I'm really pumped about exploring Udaipur in style but yet on a budget. Also with the wedding and festival season right around the corner, Urban Company's at home salon services makes for a perfect solution. So go ahead and click on the link in the description box below and get festival ready with Urban Company services at home. तो ये एरिया जहाँ पे मैं रह रही हूँ, इसे अक्सर ओल्ड उदयपुर कहा जाता है, एंड दिस इन पर्टिकुलर इज लाल घाट, जहाँ पे बहुत सारे बजट स्टे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट नो डाउट मेरी एस्पिरेशन एज अ 19 ईयर ओल्ड वाज कि लाइफ में बस मुझे एक बार ताज लेक पैलेस में रहना है। सो वील फाइंड आउट व्हाट हैपेंस ऑन आवर लग्जरी डे, बट इन द मीन टाइम लेट्स गो अहेड एंड गेट राइट इनटू स्पेंडिंग अ डे इन बजट। These are for 20 rupees each, so मेरा total bill फटा 40 rupees का हो गया मुझे। मैं अभी अपने होटल से निकल के आई थी ब्रेकफास्ट खाने के लिए, एंड दी ओनली ओपन प्लेस दैट आई कुड फाइंड वाज अ प्लेस कॉल्ड ब्लू विला। इट वाज अराउंड 500-600 मीटर्स अवे फ्रॉम माय होटल, एंड आई ऑर्डर्ड एग पराठा एंड आइस्ड अमेरिकानो। एग पराठा वाज फॉर 140 एंड आइस्ड अमेरिकानो वाज फॉर 110, सो टोटल कम्स डाउन टू अराउंड 250, व्हिच आई थिंक इज प्रीटी गुड। It's around 4 p.m. right now and I'm leaving for some lunch. मतलब not lunch exactly, because मेरा जो breakfast था वो काफ़ी heavy था। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा like a quick bite के लिए, and then I want to leave for a special place for sunset. रुपए के लिए कितना लगेगा? रुपए 150. 150. 100 रुपए से भी? और कम बता। पेट्रोल महंगा है ना, अभी सोचो ना। So guys, let me tell you what happened.
I basically wanted to go to Karni Mata Ropeway, but I just reached the ticketing counter, and because it's a Saturday today, there's a 30-minute waiting period over there, and sunset already ho raha hai, like it's already, you know, setting. So if I took the ropeway, I would have missed the sunset, which is why I'm here at a sunset point. And here in Udaipur, I think the best thing is you'll get to see all these really nice orange colors in the sky as soon as the sun sets. It's just very beautiful. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? How come the sunset spot pe aayi thi main, so I thought why not get some kulhad wali chai and some matar. Agar aap Rajasthan aaye aur aapne matar nahi khaya to kya khaya? I am going to have these two things with this view. और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंड लग रही है. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Just won't believe कि आज मेरे सुबह का अलार्म क्या था. सो अभी मैं फुली रेडी हो चुकी हूँ. अभी मैं निकल रही हूँ आशिया हवेली से टू गो आउट टूअर सम प्लेसेस, एंड ऑन द वे आई विल मेक अ क्विक स्टॉप टू ईट समथिंग, यू नो, कुछ ऐसा स्ट्रीट फूड टाइप्स, कुछ यमी डिलिशियस. आई एम थिंकिंग मे बी डाबेली. सो फ्रॉम ह्योर आई विल वॉक डाउन टू जगदीश मंदिर, विच इज़ लाइक अ वेरी कॉमन लैंडमार्क ऑफ ओल्ड टाउन उदयपुर, और वहाँ पर बहुत सारी खाने की जगहें हैं. सो आई फाइंड समथिंग वेरी ईजिली ओवर देयर. By the way, I got this dupatta just yesterday from the market, and this costed me around 250 rupees, but it looks so pretty, no? Traveling around the world, my feet will tell me where to go. I'm not afraid to step outside and see the world for what it is, no. Spending all my time with people that I barely know. You may have thought that I was lost, but all I need. ये 50 रुपीस का है. 50 का. So this is going to be my 50 रुपीस का meal today, and I hope it's a good one. I think I'll have to go on a hunt for better dabeli. मैं बताती हूँ क्या आ रहा है. सो मैं आई हूँ सज्जनगढ़, बिकॉज ये भी अच्छी जगह है घूमने की, एंड आई हैव बीन हियर बिफोर एंड आई रियली लाइक द प्लेस एंड द व्यू फ्रॉम ओवर देयर इज जस्ट अमेजिंग एंड स्टनिंग. तो सज्जनगढ़ पहले ना जीप जाया करती थी लाइक ऑल द वे टू द टॉप, सो यू हैड टू बुक अ जीप आफ्टर यू रीच दिस एंट्री पॉइंट ऑफ द फोर्ट, बिकॉज इट्स ऑन द हिल. तो जीप तो अभी बंद हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल, बट यहाँ पे भी बहुत सारी टू व्हीलर्स की फैसिलिटी है. सो यहाँ पे यू हैव टू रेंट अ टू व्हीलर एंड देन गो टू द ड्राइव टू द हिल योरसेल्फ. तो अभी भैया के साथ मोल भाव चल रहा है, बताइए कितने होगा. आप वो ले जा रहे हैं, आप उनसे ही पूछ लीजिए. कौन वो जो गाड़ी जा रही है ना हमारी? हाँ. वो 400 में जा रही है. मैंने आपके लिए थोड़ी कम किया है, बहुत छोटे बजट पे, थोड़ा 300 में कर दीजिए ना. हमारा जो बजट ट्रिप है बहुत ज़्यादा, तो 300 देखिए. 350 लगा दीजिए, कर दीजिए ना, 300 कर दीजिए, कर दो, चलो जल्दी आ जाएंगे. थैंक यू. तो
तो मैं अभी आई हूँ सज्जनगढ़ फोर्ट में एंड आई फाउंड दिस वन रियली नाइस स्पॉट ऑन द सेकंड फ्लोर जहाँ से व्यू बहुत अच्छा था, विंड बहुत अच्छी चल रही थी. यू कैन एक्चुअली सी ऑल द लेक्स ऑफ उदयपुर एंड देयर वन सर्टेन पॉइंट स्पेशली जो मेरे पीछे है जो पॉइंट है यहाँ से सारे पैलेसेस दिख रहे हैं, यहाँ से पूरी लेक्स दिख रही है. सो यू कैन गेट द इंटायर एक्सपीरियंस ऑफ द सिटी ऑफ लेक्स फ्रॉम ओवर हियर. And that's the reason why people mostly come here. It's also a great sunset spot. लेकिन आज मैं संडे के दिन आई हूँ. I wanted to stay to true to the experience. संडे को the only shortcoming of this place is that it's pretty crowded. Like there are a lot of people over here. So even finding a spot to sit on was a little difficult. अरे यहाँ का view देखोगे तो आप खुद बोल हो जाओगे. नहीं हो तो भली मैं आपके साथ चल दूँगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ. और बोलो. Guys, I'm over here at Hanuman Ghat. I have with me Shivani. Hello. And she is a subscriber, follower. So she just came and said hi, and it was super sweet. So I thought, ki chalo saath mein vlogging karte hain. How are you enjoying Udaipur? That's beautiful. It's beautiful, no? Like, see, we are so close to Taj Lake Palace. Yes, exactly. It's right here. It's wonderful. The reason why I'm here is because I was thoda pehle Sajjangarh Fort pe thi. Kyunki wahan pe aaj bahut saare log the. So I came to Hanuman Ghat, and this place is what can get you the closest to Taj Lake Palace. Like, literally, it's right behind me, and the view is actually very good from over here. The auto driver said to me ki aapko main guarantee deta hu ki itse acha nazara sunset ka, lake ka, boats which are right in front of you uska, and itne close hone ka to the lake nahi milega kahin se bhi itna acha nazara. So you should go to Hanuman Ghat. So I came here and I must say that it's a very impressive place. Aur is side pe bahut hi acha sa bhi sunset bhi dekha maine. यहाँ पे भी मैं आई हूँ निकल के. वेरी क्लोज वॉकिंग डिस्टेंस पे एक जगह है विच इज़ कॉल्ड फूडीज, फूडीज कैफे. मैंने अभी पास्ता ऑर्डर किया है, पिंक सॉस पास्ता. एंड पास्ता इज़ वेरी रीजनेबल एक्चुअली, 150 का पास्ता है. सो इट्स ओके आई थिंक. भूख लग रही है थोड़ी सी एंड आई डोंट वांट टू ईट स्ट्रीट फूड. आई वांट टू ईट समथिंग वेरी मैसिव. बहुत भूख लग रही है, बहुत चल रही है लिटरली. सो गुड, बहुत अच्छा. एक तो म्यूज़िक चल रहा है साइड में एंड यहाँ बहुत अच्छा खाना है. खाना जेन्युइनली बहुत अच्छा है. म्यूज़िक के बारे में आई एम अ लिटिल सार्कास्टिक राइट नाउ. सो व्हाइल वॉकिंग ऑन दिस ब्रिज आई जस्ट रैन इनटू दीज गाइस. व्हाट आर योर नेम्स? माय नेम इज़ गिरी कुमार. शरद. Sharad. So their channel is called Find Me Giri, and they just, I just ran into them and they said that they were actually looking for me because they saw on Instagram. Yes, actually we were just searching for Tanya because we are also in Udaipur and she just mentioned yeah, that. Yeah, and these guys actually vlog in Tamil. Yeah. So if you're especially from Tamil Nadu, you should follow them also. Kindly, thank you. Thank you. Nandri. Okay. Bye bye. Thank you. Guys, so it's about time that I check out of this amazing place, Ashiya Haveli Hotel. But aaj din aa chuka hai. Yeah, it's a very small town and you get to hear all kinds of sounds over here. But aaj wo din aa chuka hai jab main apne liye ek luxury experience book karne wali hu. So I'm just going to the hotels in Udaipur. Oh shit, Taj Lake Palace, guys. Mere ko hamesha se Taj Lake Palace mein rehna tha.
This is like my biggest aspiration ever, and I just came to know that the price is, even on a Monday, 45,200 per night and 8,000 taxes. That means it's going to be 53,300. That's insane. Should I really go for Taj Lake Palace? I'm literally stressing out right now. So I have decided that I'll set the milestone ki agar hamari is video pe 1 million views ho gaye ya fir 50,000 likes aa gaye. So if you do go ahead and like this video, I'll come back to Udaipur and take you to Taj Mahal Lake Palace. And this is not going to be a collaboration. I'll spend out of my own pocket from the money we earn out of this video to give you that experience. And for today, I've decided on the property Leela Palace. Leela Palace ka mujhe balcony view wala room jo mil raha hai. It's the third best room. Not third, second best room in the property. That is costing me 35,000. So it's literally 10x of where I'm staying. So it'll be a good comparison point. I'm going ahead and booking it. And dhak dhak ho rahi hai mujhe bahut zor se dil mein. Even while hitting pay, bahut zor se dhak dhak ho rahi hai. And it's done. So guys, I'm here with the owner of Ashya Haveli, Satyadev Singh ji, and ये उनकी daughter है Bhavna. And मेरी hospitality यहाँ की was beyond words. बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे रह के. And also the food was very good. So I would really recommend that you come and stay here. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. It was nice having you. Okay. Bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Alright guys, ये है मेरी ride for today. Very nice clean auto, बहुत ही सुंदर चमचमाता हुआ, और हम लोग इसमें बैठ के अभी जाएंगे बोट जेटी की तरफ एंड देन वील हेड टू लीला. लेट्स गो. Thank you, sir. For you, fresh watermelon and mint. Oh, signature welcome drink. Thank you so much. We have your room on the highest floor of the palace, which is on the third floor. Okay. This will be. All right. Let's go. Welcome to the Leela Palace Udaipur. I've checked in. छोटी सी check-in formality थी, उससे पहले थोड़ा सा welcome हुआ मेरा. और room भी बढ़िया है, थोड़ा सा size में मुझे लगा कि छोटा है, but I guess it's okay. I booked the heritage room with a balcony and it's on the highest floor. Let me tell you quickly कि यहाँ पे क्या क्या है. There's like a bathtub area, potty area, shower area, and there are also two sinks joining all of these areas. उसके beyond बहुत बड़ा सा एक area है जहाँ पे आप सारा अपना luggage store कर सकते हैं. And then in this main room, of course, we have a study table behind
behind the bed, and there's a sofa over here, also a little seating area by the mirror, and there's a balcony also in front of me. Balcony se view bhi bahut acha hai, but I think sunset is going to be an even better experience. So I am thinking that today evening, let's do sunset from here only. Okay guys, it's the moment of truth. How is the pastry over here? And plus mere face ki chocolate. The back is also chocolate, wow. It's fixed with chocolate, it's fixed with molten chocolate. Oh wow. Coffee. Nice looking pastry. So a few updates on my luxury experience so far. Firstly, यहाँ पे रहना एक बहुत ही overwhelming experience है and I can't believe that this is actually happening. क्योंकि जहाँ पे मैं पहले रह रही थी वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, like on a budget it was great. वहाँ की टेरेस से जहाँ पे आप खाना खाते हो बैठ के, वहाँ से व्यू बहुत बढ़िया था. But over here you get a private and exclusive really good view. But definitely like a 5-star hotel, बहुत ही सारी randomly cool चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि plugs over here to all the lamps, the switches, everything is very cool. And I was also looking at the lunch menu. There's a QR code that they gave me and they said ki aap yahan se lunch select kar lijiye. Now here's the funny thing. Yahan pe kuch bhi on their menu 500 rupees se kam nahi hai. And jo cheeze you know 675 700 rupees ki hai, wo bhi aisi cheeze hai jo eggs aur sides dishes hoti hai. Aur jo lunch ka saman hai sara, that's all 1500 1000. But we are going to order something for lunch and I'm thinking of doing in room dining only, because that's also part of the experience and I could also work out of this place. And bahar kyunki abhi waise garmi ho rahi hai and I have a great view, I can just look at the view while sitting here on my desk. Aise beech beech mein main view ko nihar sakti hu aise aise karke, and I can work and eat inside the room only. सो लंच ऑर्डर करने में मैंने बिल्कुल कंजूसी नहीं किया है. यहाँ पे मैंने तीन डिशेज ऑर्डर किए हैं. वन इज थाई वेजिटेबल करी, वन इज राइस, जैस्मिन राइस विच केम विद इट, एंड देयर इज ऑल्सो लेंटिल सूप, प्लस देयर इज सम पनीर टिक्का. ऑल ऑफ दिस कॉस्टेड अ टोटल ऑफ 4320 रुपीज. मैंने अभी भी दाल खाई मेरी, बेसिकली सूप. आई लव्ड इट, इट वॉज अ वेरी नाइस प्रिपरेशन. एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव सम पनीर टिक्का. पनीर टिक्का है बहुत यम्मी. And it's so quiet over here. क्योंकि last couple days में I think the only difference that I can say is कि मैंने जहाँ पर भी खाना खाया है वो बहुत ही road के cross junction में था. And roads में obviously traffic की आवाज़ होती है, autos की आवाज़ होती है, bikes होती हैं, and obviously उनकी honking की भी आवाज़ आती है. So the only difference between the two eating places, irrespective of the price, was also the sound over here. There's none. This room is 100% quiet. But for now, let's destroy this. And इसके ऊपर let's put all the curry. Yum. I think the only thing this place is missing is probably a microwave. So we are going 6:30 no for the boat ride. 6:15, yes. This is probably my best sunset in my Udaipur trip. यहाँ पे मेरे पीछे है पूरी लीला की बिल्डिंग. दैट्स रूपल बाय द वे एवरीबॉडी. हाय रूपल, नमस्कार नमस्कार. एंड दैट ओवर देयर इज माय रूम एक्चुअली, आई कैन इवन सी इट फ्रॉम ओवर हियर. एंड हियर इज द सनसेट, सो ब्यूटीफुल. एंड ये एक छोटा सा सनसेट स्पॉट है वेयर यू कैन सिट एंड एंजॉय द सनसेट, एंड इट्स सो क्वाइट ओवर हियर बिकॉज देयर इज लिटरली नोबडी एक्सेप्ट फॉर मी ओवर हियर. इट्स सो कूल. Such a good view. The sunset was so beautiful, and now we're leaving for the boating experience. बाहर से देखते हैं आज बोट राइड पे एक्चुअली.
एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस है विच इज़ डाइनिंग एट शीश महल. दैट इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ लीला. पहले मैंने सोचा था मैं जग मंदिर जाऊंगी बट आई कैंसल्ड दैट प्लान बिकॉज आई कम टू रियलाइज शेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ शीश महल इज गोइंग टू बी वेरी एक्सक्लूसिव इन आर वीडियो. सो लेट्स डू दिस. Everybody, I'm here at Sheesh Mahal now, and Sheesh Mahal ki speciality hai that it's an Indian restaurant and also has Rajasthani cuisine on offer. I'm sitting at a table, jise kya kehte hain, yahan destination dining. Destination dining because it's like a semi-circle sort of and overlooking the view, and this is one of the most exclusive tables over here. So Shweta here just told me ki ye table ko reserve karna padta hai. Because nahi thi reservation, but somehow she still accommodated me, and I'm feeling so pleased. Thank you so much. Thank you. Thank and Shweta also told me ki property mein apparently some मुझे जानते हैं. इज दैट सो? नो, एवरीबॉडी नोज यू. रियली? या, आई एम योर वन ऑफ योर फॉलोअर मैम. ओह रियली? आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम वेरी लॉन्ग. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, सो व्हाइल आई एम वेटिंग फॉर माय फूड आई हैव ऑलरेडी प्लेस्ड माय ऑर्डर. यहाँ पे एक लाइव रोटी काउंटर है जहाँ पे बाजरे की रोटी बन रही है. तो मैंने सोचा व्हाई डोंट आई ऑल्सो ट्राई माई हैंड्स एट कुकिंग सम रोटी ओवर हियर ऑन अ चूल्हा. इस चूल्हे का नाम क्या है? मिट्टी का चूल्हा. मिट्टी का चूल्हा, ठीक है. तो एक मिट्टी के चूल्हे पे हम लोग अभी थोड़ा सा कुकिंग करने रोटी पकाने वाले हैं. सो दैट शुड बी एन एक्सपीरियंस. मैंने किसी गांव में एक्सपीरियंस नहीं किया बट माइट इज़ वेल एक्सपीरियंस इट एट लीला पैलेस. My name is Rupak. I'm the chef in charge of Shish Mahal right now. Okay. Okay, so we do have Amushbhur, which is just a pre-starter, you can say. Okay. So we serve akrod ki tikki with some organic beetroot chutney along with that. Okay. And we serve a little bit of shikanji, which is like a lemon and mint shikanji. Okay. Okay, just a palate cleansing kind of. Lalmas, it is like Jodhpuri style lalmas, we serve it. We give a artificial smoke in it. So that's why it is called Dungar lalmas. And even the paneer you have ordered, it is Dungar paneer. So again, it is smoked. And इस moment में unfortunately I was a little short of words but the food was genuinely very good. Very nice food. Hi guys, it's the morning now and last night I ate dinner at Sheesh Mahal. The whole experience, the food, the chef, everybody was amazing. And also one thing that I remember was ki there was a server who came to my table and she said ki literally everybody in the property knows you. Mujhe hamesha aisa lagta hai choti moti YouTuber hu main, but so many people acknowledge the content that I make and the travel videos that I make. It felt really nice and very very overwhelming. I wanted to stay true to the whole video experience, isliye maine obviously सब कुछ खुद से बुक किया था. दिस वॉज नॉट अ कोलैबोरेशन बट स्टिल इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट द पीपल हियर वर वेरी स्वीट एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम हियर. सो इफ यू आर लुकिंग ऑन अ स्पेशल ओकेजन टू स्पेंड योर टाइम इन उदयपुर एंड स्पेशली इफ यू डू वॉन्ट टू हैव अ रियली लग्जूरियस एक्सपीरियंस, आई थिंक आई वुड फॉर श्योर रिकमेंड द लीला. फॉर मी वन ऑफ द स्टैंड आउट फीचर्स ऑफ स्टेइंग इन दिस प्रॉपर्टी वॉज दैट येस्टरडे आई गॉट टू सी द सनसेट फ्रॉम माई रूम ओवर हियर इन दिस कॉर्नर एंड टुडे मॉर्निंग आई गॉट टू सी द सनराइज इन दिस कॉर्नर. जहाँ तक बात करें बजट की तो मतलब ऑफकोर्स यूजिंग द वर्ड बजट वोंट इवन बी राइट इन दिस कॉन्टेक्स्ट बिकॉज दिस इज लग्जरी, बट दिस रूम कॉस्टेड मी 35,000 एंड विद टैक्सेज इट केम डाउन टू 40,000. माई लंच येस्टरडे वॉज अराउंड 4,000 एंड माई डिनर वॉज अराउंड 5,000. And apart from that, breakfast was included in my stay. The whole total of this comes down to, this whole experience comes down to around 49,000. And the boat ride that I did yesterday was a part of the package because you get a complimentary 20-minute boat ride. All right, guys. So with a very heavy heart, I must say that I'm departing from the Leela Palace. Left on the floor looking up, wanting more.
इसके साथ हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड में एंड लेट मी जस्ट कंक्लूड बाय सेइंग बोथ द एक्सपीरियंसेस बजट एंड लग्जरी वर ब्रिलियंट इन देयर ओन रिस्पेक्ट एंड राइट. दोनों में मुझे बहुत मजा आया एज यू मे हैव ऑलरेडी सीन इन द वीडियो. बजट डे का मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है एंड द टू डेज कॉस्टेड मी अराउंड 6500 रुपीज एंड द लग्जरी डे ऑफ कॉर्स वन डे कॉस्टेड मी अराउंड 50,000 रुपीज. सो ये रहा कॉस्ट का कंपेरिजन एंड विद रिस्पेक्ट टू ईच एवरीथिंग हैड इट्स ओन पर्क्स एंड आई वुड से द लग्जरी ऑब्वियसली हैड इट्स ओन great overwhelming feeling of spending a day like royalty. People were amazing in both places, whether it was a budget stay or whether it was a luxury stay, and I really enjoyed meeting the people of Udaipur over here. Ant mein bas main ek cheez kehna chahungi that I think after this whole experience mujhe aisa lagta hai personally for myself that I just want to be the kind of person who can enjoy both luxury and budget equally. मतलब आई डोंट एवर वॉन्ट टू से कि नहीं बजट में ट्रैवल नहीं करना चाहिए या फिर नहीं सिर्फ लग्जरी में ही ट्रैवल करना चाहिए. आई वॉन्ट टू स्टिल रिमेन द सेम पर्सन हु कैन एन्जॉय बोथ इक्वली एंड टेक यू ऑल्सो ऑन मोर सच एडवेंचर्स. सो लेट मी नो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक्ड द कॉन्सेप्ट एंड लेट्स मेक इट रीच 50,000 लाइक्स सो दैट आई कैन टेक यू ऑन मोर सच एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटल जर्नीज एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो. मेक श्योर यू ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Bye bye guys.